और जब दोस्तों ये पीपीटी तैयार हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इसे प्ले करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है इंट्रो स्लाइड आएगा। आप फिर अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आज की इस वीडियो में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, और फिर दोस्तों यहाँ से जो है आपका सवाल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर दोस्तों आप इस सवाल को पढ़ेंगे और जिस तरह से यहाँ पे सवाल आ रहा है इस तरह से आपको इसे एक्सप्लेन करना है, इसे पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये टाइमर चल जाएगा। तो दोस्तों जब तक ये टाइमर चल रहा है तब तक दोस्तों आपको साइलेंट हो जाना है, ठीक है, और स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना है कि आप जो है इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट में बताएं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आ गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बता दिया, फिर ये दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ये स्लाइड चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ पी दबाना है। जैसे दोस्तों आप कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे तो ये आपका जो माउस है ये पेन बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से यहाँ पे चीज़ों को लिख लिख करके एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि वहाँ पे जो आंसर आया था 2.5, यानी कि ए जो हमारा करेक्ट आंसर था, क्यों और कैसे जो है 2.5 आंसर आया, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और वो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जब दोस्तों आपका एक्सप्लेन किया हुआ हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है वो सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल @mitra। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे मैं ओपन करता हूँ, ये हमारा जो है इंट्रो स्लाइड होगा, यानी कि पहला स्लाइड होगा, और मेन कंटेंट दोस्तों हमारा इसमें होगा, यानी कि दूसरे स्लाइड में हमारा मेन कंटेंट होगा। इसमें आप सवाल टाइप करेंगे, ऑप्शन टाइप करेंगे, ठीक है। जब दोस्तों आपका टाइपिंग का काम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको रिसेट कर देना है, ठीक है। रिसेट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसके आंसर के अकॉर्डिंग आपको लेआउट चेंज कर देना है। लेआउट क्या होता है, आप यहाँ लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको लेआउट मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये जो सवाल है अगर इसका करेक्ट आंसर ए है तो ए वाला लेआउट अप्लाई करेंगे, अगर इसका करेक्ट आंसर बी है तो बी, सी है तो सी, और डी है तो डी वाला लेआउट अप्लाई कर देंगे। अगर हम डी वाला लेआउट अप्लाई कर देंगे यानी कि इसका जो सही आंसर बताएगा वो डी बताएगा। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग लेआउट में जा कर के ए लेआउट अप्लाई कर देंगे तो इसका ये वाला ऑप्शन ग्रीन होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा टेम्पलेट यूज करके आप अपनी स्लाइड बना सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस तीन काम करना है। पहला आपको मैटर टाइप करना है, दूसरा आपको रिसेट कर देना है, और तीसरा क्या करना है, अपने करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग लेआउट चेंज कर देना है। बस यही तीन चीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो सवाल है इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे ये टाइमर चलेगा। उसके बाद आप अपने स्टूडेंट को कहेंगे कि आपको जो भी इसका करेक्ट आंसर लगता है वो हमें कमेंट में आंसर करें, ठीक है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर मान लीजिए कि 2.5 आता है, यानी कि ए ऑप्शन अगर इसका करेक्ट आंसर है, ये कैसे सही हुआ इसे अगर एक्सप्लेन करना होगा तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वाले स्लाइड में जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि आपको इसे एडिट करना है तो दोस्तों इसे एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड मास्टर, आपको स्लाइड मास्टर में चले जाना है, और देन दोस्तों आपको यहाँ पे ये सारी स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस से इसे हटा देंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे ये लोगो हमने लगाया है, अब इस लोगो के जगह पर आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे,
राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर में जाएंगे और देन दोस्तों आप दिस डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में चले जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपने जो भी अपना लोगो बनाया है आप उस लोगो को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देन दोस्तों आप इंसर्ट कर देंगे तो वो वाला लोगो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्लोज मास्टर व्यू कर देना है बस। तो इस तरह से दोस्तों आप इस चीज़ को सेव कर देंगे और देन दोस्तों आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है, आपको ये करना है कि डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे देन दोस्तों आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, आपको ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कर देना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव करंट थीम, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और देन दोस्तों आप इसको किसी भी नाम से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डी कोड एग्जाम लिख करके और इसे दोस्तों मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। इसे सेव करने के बाद दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि आपको ये जो है यहीं पर मिल जाएगा। अभी जो दोस्तों मैंने इस थीम को सेव करने के लिए बताया है वो इसलिए बताया है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी पीपीटी बनाएंगे, यानी कि अपने चैनल के लिए जब आप नेक्स्ट टाइम पीपीटी बनाएंगे तो उस समय दोस्तों आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है ये वाला टेम्पलेट ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बस क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में इस तरह से पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, यहाँ से दोस्तों आप ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है और देन दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो है डिकोड एग्जाम वाला थीम मिल जाएगा, आप इसे यहाँ से अप्लाई कर देंगे। इसे अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ये जो स्लाइड है इसे आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। स्लाइड को डिलीट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सारे थीम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट स्लाइड ऐड कर लेनी है, यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपको अपना इंट्रो स्लाइड ऐड कर लेनी है, पहला काम। दूसरा काम यहाँ पे ये हो जाता है कि अब आपको जो है कोई भी ABCD कोई भी एक स्लाइड ले लेनी है और देन दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन टाइप करेंगे और ये सारी चीज़ें टाइप करने के बाद मैंने बताया था कि आपको रिसेट कर लेना है और रिसेट करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अपने आंसर के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लेआउट चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी आपने सवाल टाइप किया है उसका अगर करेक्ट आंसर डी है तो आप यहाँ से डी, यहाँ से दोस्तों आप डी लेआउट अप्लाई कर देंगे, अगर करेक्ट आंसर सी है तो सी और बी करेक्ट आंसर है तो बी और ए करेक्ट आंसर है तो ए लेआउट अप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो इस तरह से दोस्तों अब आपको क्या करना है, दूसरा सवाल ऐड करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर में क्लिक करेंगे तो सेम स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा और देन दोस्तों आपको यहाँ पे सेम उसी तरह से करना है, सवाल टाइप करना है, ऑप्शन टाइप करना है और रिसेट कर देना है और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, अपने आंसर के अकॉर्डिंग इसका लेआउट चेंज कर देना है। लेआउट चेंज करने का दोस्तों दो तरीका होता है, या तो आप यहां से लेआउट चेंज कर सकते हैं या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देन दोस्तों यहां पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा तो दोस्तों आप यहां से भी जो है लेआउट चेंज कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों आपको एक काम और करना है कि यहाँ पे ये जो न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला स्लाइड आ जाएगा तो दोस्तों आप ये वाला स्लाइड लास्ट में ऐड कर देंगे और इसे दोस्तों पकड़ के नीचे रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये PPT बन जाएगा और जब दोस्तों ये PPT तैयार हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इसे प्ले करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है इंट्रो स्लाइड आएगा, आप फिर अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आज की इस वीडियो में आप क्या पढ़ाने वाले हैं और फिर दोस्तों यहाँ से जो है आपका सवाल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर दोस्तों आप इस सवाल को पढ़ेंगे और जिस तरह से यहाँ पे सवाल आ रहा है इस तरह से आपको इसे एक्सप्लेन करना है, इसे पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये टाइमर चल जाएगा। तो दोस्तों जब तक ये टाइमर चल रहा है तब तक दोस्तों आपको साइलेंट हो जाना है, ठीक है, और स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना है कि आप जो है इसका करेक्ट आंसर हमें कॉमेंट में बताएं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आ गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बता दिया, फिर ये दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ये स्लाइड चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आएगा।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ पी दबाना है। जैसे दोस्तों आप कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे तो ये आपका जो माउस है ये पेन बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से यहाँ पे चीज़ों को लिख लिख करके एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि वहाँ पे जो आंसर आया था 2.5, यानी कि ए जो हमारा करेक्ट आंसर था, क्यों और कैसे जो है 2.5 आंसर आया, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और वो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे दोस्तों, आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जब दोस्तों आपका एक्सप्लेन किया हुआ हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की दवा देनी है। तो यहाँ पे फिर दोस्तों दूसरा सवाल आएगा, फिर दोस्तों आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी सवाल लिखाया गया है, यहाँ पे दोस्तों जो भी सवाल आया है इसे आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये टाइमर चलेगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये करेक्ट आंसर बता देगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर आया वो करेक्ट कैसे आया, अगर उस चीज़ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों पेन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके जो भी समझाना चाहें, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहें, आप इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके समझा सकते हैं। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। और आपके लिए जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।